हमारी रुक्मिणी तो इतनी अच्छी कि बिना बताए घर के दूसरे काम भी कर लेती है। उसकी वजह से हम लोग कितने रिलैक्स है ना। एग्जैक्टली हम लोग उसकी वजह से घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, रिलेटिव से मिलने भी जा सकते हैं। अरे हम लोग कितने लकी हैं कि रुक्मिणी जैसी ईमानदार और मेहनती काम वाली हमें मिली है। कोई जरूरत नहीं है रुक्मिणी को मोबाइल गिफ्ट देने की। अरे ऐसा क्या करते हो, देखिए मैंने सोसाइटी के सभी औरतों के बीच में कह दिया है कि मैं रुक्मिणी को मोबाइल फोन दूंगी। ओहो क्या काम कर। सोसाइटी के सभी औरतों को वापस जमा कर, ऐसा गोल कुंडाले में खड़ा कर, बीच में तू खड़ी रहे और सबको बोल सॉरी 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 मैं रुक्मिणी को मोबाइल नहीं दे सकती सॉरी। अरे नहीं ऐसा क्या कर दो। अरे एक बार ना बोल, तू मगर मारी मत का भी रख। अरे ना बोला ना एक बार। नॉनसेंस। हे माँ माता जी अब मैं क्या करूँ। हाँ रुक्मिणी को मैं मेरा फोन दे दूंगी। बेटे साहब थैंक यू। पता नहीं आज किसका मुंह देखा, बाजार जाते वक्त रास्ते में मुझे 1,000 का नोट मिला। अरे वाह लकी अब्दुल। क्या बात है अब्दुल, ये तो मतलब तुम्हें बिना मेहनत की कमाई हो गई है। भाई बिना मेहनत की कमाई का मजा ही कुछ और होता है। क्यों भिड़े? ए जेठालाल मैं मेहनत की कमाई खाता हूँ और तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अरे ना भाई तुम गलत मतलब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है देखा। अरे छोड़िए ना जेठा भाई, आज सोडा अब्दुल की तरफ से। क्यों अब्दुल? अरे नहीं नहीं नहीं, बाजार से आते वक्त 2,000 गिर भी तो गए। ओहो जैसी करनी वैसी भरनी। ए जेंट्स रुक्मिणी क्या गलत गलत कहावत बोलता है, एक तो बेचारे के 2,000 गिर गए और किधर भी कोई गलत कहावत बोल रहे तू। आज सोडे का भाव डबल। का डबल है? क्यों क्यों, तुम खुशी में पार्टी मांग सकते हो तो दुख में साथ नहीं दे सकते? हाँ अब्दुल की ये बात तो बिल्कुल सोले आने ठीक है दोस्तों। वैसे भाइयों आप सबने एक बात का गौर किया, ये अंजलि भाभी आई है तब से मेहता से मनी मन में कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा नहीं रहे है? फिर तो आज सोडा मेहता साहब की तरफ से। अरे डॉक्टर आती आप भी ना रहे, इतने बड़े हो तो थोड़ा बड़ा सोचो, क्या सोडे की बात करते हो। अरे घर पे बैठ के सब लोग खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाते नहीं नहीं यार घर नहीं होटल चलते हैं कहीं खाना खाने। होटल में क्यों, घर में ही चलते हैं ना मेहता साहब। हाँ भाई बहुत दिन हो गए इनको घर का खाना नहीं मिला। जेठालाल। अरे नहीं नहीं होटल इसलिए आई है साहब क्योंकि देखो घर चल के अगर हम सब खाना खाएंगे तो बर्तन वर्तन ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा बर्तन होंगे तो रुक्मिणी को धोने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और रुक्मिणी को मेहनत करनी पड़ेगी तो अंजलि को बड़ी टेंशन हो जाएगी। अरे हाँ यार हमारी बीवियों को हमसे ज्यादा चिंता तो वो रुक्मिणी की है। और नहीं तो क्या, अरे वो रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए माधवी ने मुझे म्युनिसिपैलिटी में भेज दिया। एक बार क्या हुआ मालूम है आपको? क्या बबीता ने क्या किया मालूम है आपको? क्या क्या? उसने मुझे रुक्मिणी को सॉरी बोलने के लिए बोला। ओ, वैसे इनके बबीता जी के साथ शादी हुई है वही एक बहुत बड़ी सॉरी है। क्या क्या बोला आपने? नहीं नहीं मैं ये बोल रहा था कि आपकी वाइफ के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं क्या मतलब है आपका? मतलब हम सबकी बात कर रहा हूँ मैं, हमारी सबकी हमारी वाइफ के सामने कोई वैल्यू ही नहीं है, है? उनको तो बस रुक्मिणी की फिक्र है। अभी वो रुक्मिणी को मैंने थोड़ा रिटेल में डांट किया दिया, दया ने मुझे होलसेल में डांट दिया। अभी ने डांटा? अभी अभी की बात है, अभी मुझे बोल रही है कि वो रुक्मिणी को एक मोबाइल फ्री में गिफ्ट देना है तो कल दुकान से आते आते एक मोबाइल लेके आना नया। बोलो तो जेठाला ला के दो ना मोबाइल, क्या फर्क पड़ता है। चलो मान लिया कि उसको एक मोबाइल मैंने दे दिया, लेकिन वो बेचारी उसका बिल कहाँ से भर पाएगी? अरे जेठालाल बीवी का दिल रखने के लिए बिल भी तुम भर दो। अरे भाई अगर हमारी बीवियाँ खुश तो हम सब खुश है ना। बोलो हमारी बीवियों की। कहाँ रख दिया है आपने रुक्मिणी के बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट? तुम्हें याद होना चाहिए मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था। हो ही नहीं सकता, आपको ना कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है
कहाँ रख दिया है आपने? उल्टा मुझे बोलना चाहिए माधवी कि कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो, पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे? अरे उस विंसी पार्टी में 4 घंटे, फिर 30-40 सवाल और फिर 20 बार इस टेबल से उस टेबल पर जाने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट हाथ में मिला था। ये क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। कहाँ था? मेरी किताब में। एक शिक्षक होकर इतनी लापरवाही? वो अभी 10 बार लिखो, आज के बाद काम की चीज अलमारी में रखूंगा। वो मैं लिखूंगा माधवी, लेकिन मुझे ट्यूशन के लिए देरी हो रही है, नाश्ता दो ना। बिल्कुल नहीं। हाँ? पहले मैं इसको अलमारी में रखूंगी, उसके बाद नाश्ता मिलेगा। तब तक मैं क्या करूँ? लिखते रहो 10 बार। अरे माधवी, रुक्मणी। जी भाभी जी। ये लो। अरे ये क्या कर रही है? अरे देवा, भाभी जी माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान ही नहीं था, आपका मोबाइल खराब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये फोन तेरे लिए है, मैं तुझे गिफ्ट दे रही हूँ। मेरे लिए? हाँ। पर क्यों? आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी नहीं है। हाँ। अरे तो आज मेरा भी हैप्पी बर्थडे नहीं है, ये हैप्पी बर्थडे के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत प्यार से तुम्हें दे रही हूँ, और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो मैं तुम्हें फोन करके बुला सकूँ। नहीं भाभी जी, मेरे को ये मोबाइल नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना, मोबाइल मोबाइल पे लिखा है बात करने वाले का नाम। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से दे रही हूँ, रख ले। नहीं भाभी, मेरे को नहीं चाहिए, माफ कर देना। रुक्मणी रुक्मणी रुक रुक रुक्मणी, ये रुक्मणी को आज क्या हो गया है? इतनी उदास क्यों है? अरे रुक्मणी, मैं तो बोलना ही भूल गई, तेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है, जाते वक्त याद से लेके जाना। खुश? जी भाभी। अरे इसे क्या हो गया? रुक्मणी, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हुए हैं, उसको जाके सुखा दे। और हाँ, मैंने तेरे लिए धान साग बनाया, खाएगी ना? जी भाभी, मुझे भूख नहीं है। उफ रुक्मणी, जल्दी ये धोखे दो, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। रुक्मणी मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे दुपट्टे पर चाय गिरी। अभी धोखे लाती हूँ। अरे इसे क्या हो गया? हेलो। हेलो दया भाभी, अंजलि। भाभी ये रुक्मणी को क्या हुआ, क्यों इतनी उदास है? हाँ, पता नहीं अंजलि भाभी, मेरे घर पर आई ना तब भी वो टेंशन में ही थी, उसको टेंशन में देखकर मुझे भी टेंशन होने लगा है। अरे इतना टेंशन तो मैंने टप्पू के पापा को पहली बार देखा था ना, तब भी नहीं हुआ था। समझ में नहीं आ रहा रुक्मणी को आखिर टेंशन क्या है। वही तो, शाम को आएगी तब पूछ लेंगे। पहली बार मैंने रुक्मणी को इतने टेंशन में देखा। क्या प्रॉब्लम होगा? पता नहीं। अरे कुछ टेंशन हो तो कहना तो चाहिए ना। हाँ, अगर वो नहीं बोलेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? क्या प्रॉब्लम होगा? आएगा। क्या करूं, कैसे सब मैडम लोगों से कहूं? अरे देवा, क्या करूं मैं? महिलाओं की हमेशा इज्जत करो। हाँ, अभी सबको 11 बजे गार्डन में बुलाती हूँ। अरे आराम से भाई। अरे बड़े सर, जरा एक मिनट। हाँ रुक्मिणी, वो तुम्हारे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी के जन्म का दाखला माधवी के पास दिया था, मिल गया ना? अरे कितनी भीड़ थी वहाँ पे, कैसे लाया हूँ मैं ही जानता हूँ। थैंक यू बिड़े साहब, वो जरा
बोर्ड पे लिखो ना। अरे अभी थैंक यू वेरी मच, वो नोटिस बोर्ड पे लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है कोई बात नहीं। अरे वो नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। अच्छा क्या लिखना है? आप भी ना भिड़े साहब, वो कहते हैं ना खाली चना पाजे घना है। अरे आपने इतना अच्छा लिखा है, महिलाओं की इज्जत करो, तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो ना। अभी देखो मुझे बहुत देर हो रही है ऊपर से। भिड़े साहब अच्छा ठीक है क्या लिखना है बताओ। चलो हाँ चलो अभी चलो। हाँ चलो चलो जल्दी। हाँ। बोलो क्या लिखना है। लिखो आपातकालीन बैठक। आपातकालीन बैठक क्यों? आएगा। लिखता हूँ आपातकालीन बैठक। बैठक अब लिखो प्यारी सेठानियों। नहीं 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 आदरणीय मैम साहेब। बा नहीं 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 आप प्यारी मैडमो। प्यारी मैडमो फाइनल। फाइनल फाइनल नहीं लिखना, ये मैच थोड़ी है, बस लिखना है प्यारी मैडम और रुक्मिणी का राम राम। मेरी विनती है कि आप सब सुबह 11 बजे गार्डन में आ जाओ, और रोशन भाभी अब सवा 11 बजे आ जाओ। क्यों उसको 15 मिनट लेट क्यों? क्योंकि उनकी घड़ी 15 मिनट आगे है। और नीचे लिखो आपकी प्यारी रुक्मिणी। सेवा कठिन है। एक मिनट लेकिन गार्डन में क्यों मिलना है? भिड़े साहब आप कितने सवाल पूछते हो, वो कहते हैं ना आसमां से गिरे खजूर में अटके। ए भाई मैं लिखता हूँ लेकिन तुम गलत जगह पे गलत कहावत मत बोलो। हाँ प्लीज। क्या? रुक्मिणी तू मजाक कर रही है ना? हाँ। नहीं भाभी जी मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मतलब कल से गोकुलधाम सोसाइटी में काम करने नहीं आओगी? नहीं मेरे नवरे गणपत राव वामन राव का तोंडे की कसम, मैंने बहुत सोचा आप सब लोगों को कैसे बताऊंगी। कल रात 10:03 नहीं नहीं 10:07 से मैं यही सोच रही हूँ कैसे कहूँ आपको, कैसे कहूँ आपसे। फिर मैं पानी लेने के लिए उठी तो मेरा नवरा है ना गणपत। हाँ हाँ। उसने मुझे स्टील का ग्लास भर के पानी दिया, वही ग्लास वो दया भाभी आपने दिया था ना, वो आपको गरबा कॉम्पिटिशन में प्राइज मिला था। हाँ, वो याद है मुझे। अरे उस नवरात्रि में तो मैं और भी इनाम जीती थी। अरे और उस दया भाभी अरे वो नवरात्रि के लिए अलग मीटिंग रखेंगे हम लोग, अभी इसका सोचो। रुक्मिणी देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हम सब मिलकर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम्हें ज्यादा पगार की जरूरत हो तो हम लोग पगार बढ़ा भी सकते हैं। और हाँ बेटे को जितनी कहावतें कहना बोल लेना, हम इसे कोई नहीं रोकेगा। अरे अगर तू काम करते करते थक गई ना तो एसी में बिंदास सो जा। हाँ रुक्मिणी, और अगर सरकारी कुछ बैंक का काम हो ना तो सोनू के पापा है ना। हाँ। वो करके देंगे तुझे। देखो रुक्मिणी तुम्हारी जो कोई भी डिमांड हो या तुम्हें जो कुछ भी इच्छा हो ना हमें बताओ, हम सारी डिमांड तुम्हारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पति। हाँ? हाँ? क्या? हाँ? अरे एक पति तो है तुम्हारे पास। वो कहते हैं ना भाभी जी, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। What? इस बार दुख दिया है छप्पर फाड़ के। क्या? कैसा दुख रुक्मिणी? भाभी जी वो मेरे पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। ओह पर तुम क्यों नौकरी छोड़ रही हो? हाँ, अरे पति को सुख दुख में साथ देना होता है, नौकरी छोड़ने में नहीं। बराबर। पता है कोमल भाभी, लेकिन अब मेरे पति की नौकरी चली गई, अब उसका पगार भी बंद हो गया, अब सिर्फ मेरे पगार में यहाँ मुंबई में हमको कैसे परवड़ेगा। मेरा पति कहता है अब हम गाँव जाएंगे। पर रुक्मिणी तुम्हारे पति को नौकरी से निकाला क्यों? वो मेरा पति है ना, वो रोज सुबह 8:40 साइकिल लेके घर से निकलता है, और वो ना उसका जो रुक्मिणी शॉर्ट में बता। हाँ, हाँ। अभी शॉर्टकट में बोले तो मेरा पति एकदम ईमानदार अच्छा सच्चा आदमी। एक दिन उसका सेठ ऑफिस में आया और बोला बहुत मंदी चल रही है, आधे लोगों को निकालना पड़ेगा, और उन आधे लोगों में मेरा पति भी था। पता जी भाभी जी, हम
हमारा भी मन करता है इस मुंबई में, इस सपनों की नगरी में रहने का, लेकिन कितनी महंगाई है यहाँ, कैसा चलेगा हमारा यहाँ पे। फिर हमने सोचा हम तो जाते हैं अपने गांव, सबको राम राम। अरे नहीं नहीं रुक्मणि, तू इधर आ, इधर बैठ। देख रुक्मणि, ऐसे हिम्मत हार के शहर छोड़ के नहीं चले जाते। अब एक नौकरी गई है तो दूसरी मिल जाएगी। अरे नहीं भाभी जी, बहुत कोशिश की लेकिन मेरे पति को नौकरी नहीं मिली। देख इतनी चिंता मत कर, वैसे भी इस रिसेशन टाइम में सबकी यही हालत है, करे भी तो इंसान क्या करे, है ना? अब हमें तो गांव ही जाना पड़ेगा। अब सब लोग कितनी अच्छी थी। ए बेन, थी नहीं अभी भी अच्छी है। हाँ हाँ रुक्मणी, और तू भी कितनी अच्छी है, लेकिन अब तो मैं थी हो गई ना भाभी जी, गाँव में आप सबकी बहुत याद आएगी। हमें भी, और देखो तुम्हें कभी भी हिचकी आए ना तो ऐसे ही समझना कि हम सब तुम्हें याद कर रहे हैं। चलो अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। रुक्मणी, हमको छोड़ के मत जाओ। रुक्मणी प्लीज मान जाओ ना। रुक्मणी मत जाओ, नहीं रुक्मणी अपना ख्याल रखना प्लीज। सुनो रुक्मणी, गांव पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, ठीक है? ट्रेन ट्रेन, अब इस साइकिल की घंटी की आवाज नहीं सुनाई देगी गोकुलधाम सोसाइटी के आंगन में, और ना रुक्मणी साइकिल पे नजर आएगी। वाह कितना अच्छा लगता था जब रुक्मणी साइकिल पे आती थी, खरामा खरामा। और रुक्मणी की ये विदाई छोड़ गई है गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं की आंखों में आंसू। लेकिन मैं सोचता हूँ क्या ये आंसू रुक्मणी के लिए है, या इस अंदेशे से है कि अगर रुक्मणी चली गई तो काम कौन करेगा। गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाओं के आंसू बहने लगे हैं, लेकिन आंसू बहें चाहे वो रोएं, आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके लिए एक चीज गारंटेड है, हंसना हंसाना उठा के लगाना। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ एक बात याद रखिए, हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।